करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। नमस्कार, हनुमान चालीसा देवदत्त पटनायक के साथ में आपका स्वागत है। हम रोज एक एक चौपाई लेते हैं हनुमान चालीसा से और उसका अर्थ ढूंढते हैं, उसके बारे डिस्कशन करते हैं, ताकि जब भी कोई हनुमान चालीसा का पाठ करे उनके मन में इसका वर्णन, इसके डिटेल्स, जो फाइन ट्यून है, जो ज्ञान है वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से, जो ज्ञान बसा हुआ है आप तक पहुँचा पाए, ये हमारी कोशिश है। आज हम सातवें चौपाई के ऊपर ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे। चौपाई है विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। तो यहाँ पे एक वर्णन भी है और उनके क्रियाओं के बारे में बताया गया है। हनुमान जी विद्यावान है, नॉलेजेबल है, उनके पास ज्ञान है और कहते हैं उनको ये ज्ञान सूरज से प्राप्त हुआ था। ये जब हम वेद पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़े ऋषि थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य, और याज्ञवल्क्य जब ज्ञान चाहते थे, उनके गुरु ने जब ज्ञान नहीं दिया, उनके गुरु का नाम है वैशंपायन, उनके बीच में कहा कि नहीं हमको नहीं पढ़ाएंगे, तो उन्होंने सूरज की प्रार्थना की और सूरज घोड़े के रूप में आकर उनको ज्ञान दिया था। तो हम भारत में ये विश्वास है कि सूरज से सब ज्ञान आता है, क्योंकि सूरज सब कुछ देख सकता है, सूर्य देवता ही ज्ञान का भंडार है। तो जब हनुमान जी छोटे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे ज्ञान चाहिए, तो वो वानर होके भी कह रहे थे कि मुझे ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान के लिए तो माँ ने कहा कि तुम सूरज भगवान के पास जाओ, क्योंकि सूरज भगवान के पास सब कुछ पता है, उनको सब कुछ पता है, तो वो तुमको सिखाएंगे वेद, तंत्र, पुराण, शास्त्र, वेदंग, वो तुम्हें सिखाएंगे गंधर्व विद्या, वो सिखाएंगे, जो तुम्हें चाहिए वो सिखा देंगे तुम्हें। तो हनुमान जी जाते हैं सूरज के पास, सूर्य देवता के पास, कहते हैं कि हमें पढ़ाइए, मुझे पढ़ना है। तो सूर्य देवता कहते हैं देखो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं रोज़ पूर्व से पश्चिम जाता हूँ अपने रथ में और शाम को मैं बहुत थका होता हूँ तो मैं रेस्ट करता हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं है, कैसे पढ़ाऊँ तुमको, कहाँ पर टाइम निकालूँगा। तो हनुमान जी उस समय एक उपाय निकालते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है आपकी चैरियट जब जा रही है तो मैं उस चैरियट के सामने खड़े होकर उड़ने लगूँगा, तो आपको देख के मैं बैक पीछे पीछे बिना पीछे मुड़े मैं चलता रहूँगा और आपके तरफ देखता रहूँगा और ज्ञान आपसे प्राप्त करता रहूँगा। तो आपके रथ के सामने, मतलब सूरज के सामने मैं चलता रहूँगा पूरा दिन, और वैसे उन्होंने सब ज्ञान प्राप्त की। सूरज का जो तेज था, कहते हैं कि उनके शरीर को काला रंग दे दिया था, इसलिए कुछ वानर होते हैं जिनका जो कॉम्प्लेक्शन है, जो वर्ण है वो काला रंग का होता है, कृष्ण वर्ण का होता है, तो कहते हैं इस वजह से, क्योंकि वो सूरज का तेज उनके ऊपर गया था, उनके शरीर स्किन जल गया था। तो ये एक स्टोरी है। तो पूरे इतनी उनको विद्या प्राप्त करने की इच्छा है कि वो सूरज के सामने खड़े होते, कुछ कहानियों में कहते हैं कि वो उड़े नहीं थे, उन्होंने एक पैर पूर्व के तरफ रखा था और दूसरा पैर पश्चिम के तरफ रखा था और विराट स्वरूप लेके सूरज को देखते 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 पूरा दिन बिताते थे ताकि वो सीख पाएँ जो भी विद्या है दुनिया में उनके पास आ सके। तो सूरज ने कहा कि अरे तुम तो चतुर हो, और चतुर हो इसलिए तुम में विद्या आई है, तो एक तो इच्छा है तुम्हें पढ़ने की, तुम्हें क्षमता तो है ही तुम्हारे भीतर, बट क्षमता से ज़्यादा तुम्हारे में एक इच्छा है, यू हैव अ डिज़ायर। कई बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं लेकिन विद्यावान क्यों नहीं बनते, क्योंकि में इच्छा नहीं है, उनको फोर्स करके किया जाता है। इच्छा होना और ये सूरज के सामने खड़े होके उस कष्ट को झेलना, कष्ट झेल के वानर जो है, एक जो कापी है वो कपीश बन जाता है, कापी ईश्वर, मतलब वो सबसे बड़ा वानर बन जाता है, उसके पास इतना ज्ञान आता है, इतना ज्ञान आता है, मतलब उसमें ज्योतिष का ज्ञान है, उसमें वस्तु शास्त्र का ज्ञान है, और ये ज्ञान उसमें के पास आत्मज्ञान भी है। ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विद्यावान, रामायण में रावण भी विद्यावान है और हनुमान भी विद्यावान है, बट दोनों में बहुत फर्क है। रावण के पास आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए वो अहंकारी है, वो अपने बारे में सोचता है, उसे सोने की लंका का राजा बनना है, वो कुबेर को घर से निकालता है और राजा बनता है, बलपूर्वक सीता का अपहरण करता है। लेकिन यहाँ पे एक वानर है हनुमान, जिसके पास भी सब विद्या है लेकिन उसके साथ आत्मज्ञान भी है, इसलिए वो किसी को डोमिनेट नहीं करना चाहता, कुछ चाहता नहीं है, वो तो बिल्कुल बैरागी जैसा रहता है, इसलिए लोग उसको कहते हैं कि ये तो शिवजी का रूप है।
एक कहानी है कि वो इतना आत्मज्ञान है उसमें, वो कहता है कि मैं पूरी जिंदगी केवल राम की सेवा करूंगा। बचपन में राम की स्टोरीज उसको उसकी माँ ने बताया था, क्योंकि अंजनी क्योंकि हमारे में ये विश्वास है कि हर युग में हर काल में रामायण घटता रहता है, एक रामायण नहीं कई रामायण है, इसलिए राम के समय भी रामायण की कथा प्रचलित थी और अंजनी ने उनको ये कहानी बताया था और उन्होंने कहा कि मुझे राम से मिलना है। तो हनुमान ने कहा कि मुझे राम से मिलना है और राम भी एक कहते थे कि वो बचपन में उनको थोड़ा लोनली लग रहा था तो हमेशा मम्मी को कहते थे कि मुझे एक पेट चाहिए। तो शिवजी वहाँ पे मदारी के रूप में आते हैं और उनके बगल में हनुमान जी आते हैं कि एक वानर के रूप में और वो अयोध्या पहुँचते हैं और राम कहते हैं कि हाँ वो वानर मुझे मेरे घर में चाहिए। तो जैसे घरों में पालतू जानवर रखते हैं तो राजमहल में भी होना चाहिए बच्चों के लिए। तो जो राम जी कहते हैं कि मुझे ये वानर चाहिए और ये वानर उनके साथ रहते। तो ये कहानी लोक कथा है कि बचपन में भी हनुमान राम के साथ रहते थे और वो अयोध्या में रहते थे और उनके साथ उन्होंने सब प्रसंग देखा अयोध्या में क्या घटता है। जब विश्वामित्र आके राम जी को जंगल ले जाते हैं, जब विश्वामित्र जंगल ले जाते हैं राम जी को, उस समय हनुमान वापस वन में चले जाते हैं, किष्किंधा चले जाते हैं और रुके रहते हैं कि एक दिन राम जी वापस आएंगे, वापस हमारा मिलन होगा, क्योंकि वो हमेशा आतुर हैं राम के काम करने के लिए। तो राम पहचान नहीं पाते इनको कि ये वही वानर है जो मेरे साथ अयोध्या में रहता था। यहाँ पे तो बहुत ही अलग है क्योंकि अभी वो विद्यावान है, वो संस्कृत बोल रहा है, बहुत ही अलग है, लेकिन वही वानर उनकी सेवा के लिए रुका है किष्किंधा में। तो बचपन में भी थे और जब यौवन में भी वो मिलते हैं और हमेशा उनका काम करते हैं। लास्ट में जब लंका को डिफीट करके राम बोल रहे हैं कि मैं अयोध्या जाऊंगा, तो हनुमान जी कहते हैं कि मुझे अभी किष्किंधा में नहीं रहना है, सुग्रीव राजा बन गया है, विभीषण राजा बन गया है, तो ये सुग्रीव रह गया किष्किंधा में, विभीषण है लंका में, लेकिन मुझे जाना है अयोध्या नगरी में, मैं साकेत में रहूँगा, मतलब अयोध्या का और एक नाम साकेत है, मैं वहाँ पर रहूँगा, राम जी के साथ रहूँगा। और फिर लास्ट में वो इतना काम करना चाहिए, वो बोलते हैं कि राम जी को, जब राम कहते हैं कि नहीं मुझे जल समाधि लेना है, मुझे जाना है इस दुनिया से, मुझे वैकुंठ जाना है, तब हनुमान कहते हैं मैं भी आपके साथ वैकुंठ चलूँगा। उस समय राम जी कहते हैं कि नहीं, तुम चिरंजीवी हो, तुम धरती पर रहो, भूलोक में रहो, मैं जब कृष्ण रूप लेके आऊँगा तब मुझसे मिलना, लेकिन हमेशा धरती पर रहना, क्योंकि लोगों के संकट को निकालने के लिए और कौन रहेगा, मैं तो वैकुंठ जाऊँगा, अलग अलग युग में अलग अलग अवतार लेते रहूँगा, लेकिन हमेशा के लिए लोग तुम्हारी पूजा करेंगे क्योंकि तुम उनके संकट को दूर कर सको। मेरे कह सकते हैं कि राम के पास टाइम नहीं है, इसलिए उन्होंने हनुमान को छोड़ा है वहाँ पर राम के काज करने के लिए, और हनुमान तो आतुर है उसे करने के लिए। ये है कहानियाँ, इन कहानियों के माध्यम से हम हनुमान जी की स्मरण करते हैं और ये कहानियों को उन्होंने तुलसीदास जी ने चौपाई में डालकर हमें हनुमान चालीसा के रूप में प्रस्तुत किया है हमारे पास। विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। ये था हनुमान चालीसा में सातवें चौपाई का अर्थ। अगले चौपाई का अर्थ जानने के लिए हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। हर एपिसोड में हम एक चौपाई का अर्थ आपके पास प्रस्तुत करते हैं, सरल तरीके से ट्राई करते हैं। आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर कोई भूल चुक हुई तो हमें क्षमा कीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।